और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा, अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं? आप तो नौजवान हैं, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पेंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। पेंट वो क्यों पहनते हैं? पेंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है, पांव में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी। अब ये पेंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं 15वीं शताब्दी से आई, और वो 14वीं 15वीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पेंट ईजाद नहीं हुई थी, तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे। फिर पेंट आई, क्यों आई? ठंड बहुत पड़ती है, साल में 6 महीने 8 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाएं तो सारा ठंडा हो जाता है, बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाएं तो गले को तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे, तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको, और इतना टाइट करके रखें कि गर्दन भी ना घूमे आपकी। तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई, और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की, और वो आई इसलिए, मैंने इस पर थोड़ा खोज किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक बहती रहती है हमेशा। तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा यह थी कि कागज रखते थे जेब में पोछ पोछ के, हर समय नाक सुड़ुक 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 सुड़ुक, तो पोछा रख लिया। अभी भी रखते हैं। हाँ, अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो, बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए। वहां से ये टाई की परंपरा निकली, अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है, गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए, गला खुला होना चाहिए, पांव खुला होना चाहिए। पांव खुला रहे, गला खुला रहे, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है। हम लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है, और कभी भी जा सकती है कि नहीं। अब आपने पैंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जींस चढ़ा ली, वो चढ़ती भी नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं, और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है, और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में। ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में, हटाइए इसको अपने जीवन से। ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए, टाई नीचे पैंट फिर टाई और कोट भी तो पहनते हैं गर्मी में, और गर्मी में कोट, 45-47 डिग्री तापमान, और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं, 3-piece सूट चढ़ाए हुए गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में। कहां जा रहे हैं जी? शादी कराने जा रहे हैं। मूर्खाधिपति दिखाई देता है वो, मूर्खों का भी अधिपति, 3-piece सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के। आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की ये पोशाक नहीं है टाई सूट, घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना, उससे आप घोड़े पर चढ़कर बैठ सकते हैं क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं। आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते ना, वो घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक है, ये 3-piece सूट और टाई नहीं है। कई बार पैंट फट जाती है पीछे से क्योंकि टाइट होती है, और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पांव को आगे लाके डालना पड़ता है। तो आप ये सूट पैंट टाई कोट और ये गर्म कोट और काला कोट ये सब हटाइए। टाई से आंखों की बीमारी भी होती है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है, और टाइट जो कपड़े पहनते पैंट टाइट पैंट और ये सब, इससे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब आप टाई बांधते हैं ना, तो यहाँ जो आपकी नसें हैं, जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है, वो भी बंद हो जाती है ना, और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते, क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? उनका गला खुला रहने दीजिए, उनके पांव भी खुले रहने दीजिए। तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई 3-piece सूट और पैंट की हटाइए, और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए। और मैं तो अगर आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप वकालत के पेशे में हैं, वकील हैं, तो अपनी वकालत के काम करने वाले लोगों को प्रेरित करिए कि ये काला कोट जल्दी से जल्दी हटाएं।
ये अंग्रेजों की परंपरा का है। आपको मालूम है इंग्लैंड में काला कोट पहन के वो न्यायाधीश बैठा करते थे, ऊपर से चोगा लगाते थे और चोगे के ऊपर वो टोपा लगाते थे। हाँ देखा है ना, वो सब नकली विग वाला, वही हमारे हिंदुस्तान में आ गया। अब अंग्रेज चले गए, उनको गए हुए 62 साल हो गए हैं, अब हम वो काला कोट क्यों पहने। और आपको एक जानकारी दूं, बड़ी बड़ी रोचक जानकारी है, कि वो जो चोगा पहनते थे ना लंबा लंबा ढीला ढीला, उसमें जेब पीछे रहती थी, पीछे जेब पीठ की तरफ। तो मैं ढूंढ रहा था तब पता चला कि वो पीछे जेब इसलिए है कि किसी मुवक्किल का उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुवक्किल ने फीस वीस तो दे ही दी, और ज्यादा खुश हुआ तो पीछे से डाल दे उनकी जेब में, इसके लिए वो पीछे जेब लगाई जाती थी इंग्लैंड। और हम भी वही नकल करके वो पीछे जेब और लंबा चोगा और सिर पे टोपा और वो काला काला। अभी भी यहाँ पीछे जेब लगती है? हाँ, जो जिनके गाउन होते हैं वो पीछे जेब के लंबे लंबे गाउन पहनते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी काला रंग तो गर्म देशों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। आपको मालूम है काला रंग ऊष्मा का शोषक है, तो आप जितनी गर्मी में काला कोट पहनेंगे ऊष्मा अंदर ही अंदर, गर्मी अंदर की निकल नहीं पाएगी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी, बाहर से गर्मी और अंदर आएगी, तो पसीना पसीना हो जाएंगे और वहां बहस करेंगे कि पसीना पोंछेंगे आप अपने। और नीचे की अदालतों में तो बहस होती है तो पसीना पसीना तर हो जाता है, फिर कोर्ट पर वो पसीना गिरता है तो सफेद सफेद हो जाता है और महीनों महीनों आप उसको धो नहीं सकते हैं, और उसमें इतनी बदबू आती है कि कोई पास खड़ा हो जाए तो वो परेशान हो जाए। ऐसे क्या आप जो है इस गुलामी को ढो रहे हैं, हटाइए। तो ये कहां से हटेगा? बार काउंसिल को आप निवेदन करिए, आप जानते हैं इस देश में एक बार काउंसिल है, उसको निवेदन करिए कि ये काले कोट को हटाने की बात बहुत पहले तय हो चुकी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार तय हो चुकी है, बार काउंसिल तय कर चुकी है, बस अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, और वो आती नहीं निर्णय में। तो थोड़ा कोशिश करिए, प्रयास करिए, दबाव डालिए, उनके बीच में चर्चाएं चलाइए, और ये अपनी गुलामी तो कम से कम हम हटा दें, ढो दें। भूषा की गुलामी हटे, भाषा की हटे। जींस के बारे में भी आपको बता दूं, अगर आप जींस लगातार पहन रहे हैं तो गुरुजी ने तो शुरू से ही कह रखा है कि भारतीय विदेशी वस्त्र हमें नहीं पहनने हैं, इससे नपुंसकता आती है। यही जानकारी मैं आपको दूं, आज मॉडर्न साइंस ने भी, मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी कहा है कि टाइट कपड़े पहनने से, जींस पहनने से नपुंसकता आती है। इसका वैज्ञानिक कारण भी आपको बता देता हूं कि शरीर का एक तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे वीर्य में शुक्राणुओं का जो तापमान है वो उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, तभी वो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए पुरुषों में अंडकोश को शरीर से बाहर रखा गया जिससे हमारे शुक्राणु जीवित रह सके। लेकिन हमने क्या किया, हमारे ऋषि मुनि ने खोज की कि आप धोती पहने, पजामा पहने, भारतीय वेशभूषा पहने, हवादार ढीली ढाली पहने, इसलिए कि अंडकोश के आसपास का तापमान ठंडा रहे, शीतल रहे। लेकिन आपने और हम सब ने विदेशी कपड़ों को पहना तो टाइट कपड़े पहन रहे हैं, बहुत टाइट चड्डी पहन रहे हैं और वो मोटी वाली जींस पहन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा 37 डिग्री का तापमान भी कम से कम 7 से 8 डिग्री ऊंचा और हो जाता है। तो उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि दशक भर के अंदर जो 1 मिलीग्राम के अंदर लगभग 60,000 सीमें, 60,000 शुक्राणु, 60 लाख शुक्राणु थे, वो केवल 10 साल के अंदर उसका सीमेंस, वो शुक्राणुओं का जो अनुपात है वो केवल 10 से 15 लाख प्रति मिलीग्राम रह गया है। 60 लाख का खत्म होते होते 10 से 15 मिलीग्राम रह गया है, 10 से 15 लाख प्रति मिलीग्राम रह गया है। तो आप कल्पना कीजिए, मात्र 10 सालों के अंदर हमने अपने शुक्राणुओं का कितना नाश किया है। तो यही बहुत बड़ी नपुंसकता का कारण बढ़ रहा है। तो बात यह है कि विदेशी अगर कंपनी बना रही है, जींस पहनने के लिए कह रही है, तो वो गलत है, लेकिन मैं स्वदेशी के नाम पर जींस बनाऊं तो वो सही है, तो ये हो नहीं सकता। तो आप सभी से यही आग्रह है कि मूल समस्या को समझिए, स्वदेशी की अवधारणा को जानिए। राजीव भाई ने पूरा जीवन इसी बात पे लगाया। हम सबको तो लड़ाई ये लड़नी थी कि मैगी के विरुद्ध लड़ना था, मैगी के विरुद्ध लड़ने का अभियान ये नहीं हो सकता कि गुरुदेव और मैं और हमारे जो जितने भी स्वदेशी गव्य सिद्ध हैं वो मैगी बनाना शुरू कर दें।